The system shown in figure is in equilibrium. Pulley, spring and string are massless. The three blocks A, B and C have equal masses. X1 and X2 are extension in the spring 1 and 2 respectively. हमको बताना है d square x2 over dt square immediately after spring 1 is cut. d square x1 over dt square and t square x2 over dt square immediately after spring AB is cut. जब स्प्रिंग ए बी को हम यहां से कट कर देंगे बीच में से, ठीक है, स्ट्रिंग को, तब ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग टू इज कट, जब हम स्प्रिंग टू को कट कर देंगे. ठीक है भाई, एक बार दोबारा से बताता हूँ सवाल को. कह रहा है कि ये तीनों मासेस सेम है, स्प्रिंग वन ये है, स्प्रिंग टू ये है, एक्सटेंशन x1 ये, एक्सटेंशन x1 ये है, एक्सटेंशन x2 ये है. ठीक है, फर्स्ट केस में ये वाली स्प्रिंग कटेगी, तब इसमें होने वाला जो एक्सेलरेशन है डी स्क्वायर x2 ओवर dt स्क्वायर कितना होगा. दूसरे केस में ए बी कटेगी, ठीक है, तब ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा. उसके बाद जब हम स्प्रिंग 2 को कट करेंगे तब ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा. अब इसको मैं एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ, देखो डी स्क्वायर x2 ओवर dt स्क्वायर x2 क्या है, एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब क्या है, फैलाव, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो क्या होगा, वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट का दोबारा से डेरिवेटिव करें, एक बार डेरिवेटिव तो वेलोसिटी देगा, दोबारा से डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या देगा, एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर x2 ओवर dt स्क्वायर. यहां पे होने वाला जो चेंज है, अब देखो स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग अगर हम उसको खींचते हैं तो दोनों तरफ से वो खिंचती है और दोनों तरफ से ही वो सिकुड़ती है. जब इसको खींचा तो एक्सटेंशन होगा इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, मतलब कि खिंचाव दोनों तरफ होता है, जैसे स्ट्रिंग होता है ना उसी तरह से इसमें भी खिंचाव होता है. अगर स्प्रिंग वन को हम कट कर दे, मान लीजिए यहां से कट कर दिया, कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इनको यहां पर बना लेते हैं, ए ये, बी ये और सी ये. ठीक है, अब मेन चीज समझने वाली क्या है, मेन चीज समझने वाली ये है, जैसे ही हम इसको कट करते हैं इमीडिएटली तो ये वाली जो स्प्रिंग है ना, इसके टेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये अपने वेट से खींच रहा है इसको, तो इसमें होने वाला जो टेंशन है वो T2 है और इसपे अपना अलग टेंशन है T1. ठीक है, इसपे अपना अलग टेंशन है T1, इसपे अपना अलग टेंशन है T2. ये वाला T2 चेंज नहीं होता. अब अगर ये वाला T2 चेंज नहीं होता, ठीक है, तो इसपे होने वाला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सी कितना है, वो है 0, बस निकल गया. अब इसका एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन बी, मतलब कि इस वाले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए प्लस बी मान लो इसको, एक्सेलरेशन ए प्लस बी, इन दोनों का एक्सेलरेशन मिलाकर इसमें कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि इन दोनों का एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इधर की तरफ वाला एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन मतलब कि इधर वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सी और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ए प्लस बी, दोनों को एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास इसके अंदर होने वाला जो चेंज है, डबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डबल चेंज, एक्सटेंशन का डबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमको क्या दे देगा, वो दे देगा हमको इसका एक्सेलरेशन. अब देखो वो हम कैसे निकालते हैं. जैसे ही हमने स्प्रिंग को यहां से कट किया, या यहां से कट किया, मान लीजिए यहां से कट किया, ठीक है, तो ये वाला मास, ठीक है, और ये वाला मास, दोनों सेम मास है. अगर दोनों सेम मास है तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ये वाले ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएंगे. अब इसमें तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्या है, इसका इमीडिएटली कट के बाद इसमें जो है एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा,
इसके टेंशन में चेंज नहीं होगा, तो ये जो है ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, ठीक है। अब ये वाला मास और ये वाला मास दोनों मिलकर 2m हो गए, 2m, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। भाई इस पे और इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? वो फोर्स है जिसकी वजह से ये नीचे जा रहे हैं। तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब इसका देखो एम जी नीचे लग रहा है, इसका भी एम जी नीचे लग रहा है, तो किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया 2mg, 2mg, ठीक है। अब ये वाला टेंशन नीचे की तरफ, ये वाला टेंशन ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उसके बाद कौन बच गया? ये वाला T2। इन दोनों को ना आप एक मास मान लो, m प्लस m, 2m, या फिर इसको अलग निकाल लेना, इसको अलग निकाल लेना, मर्जी आपकी, जैसा भी आप करना चाहो। इस पे लगने वाला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, टेंशन नीचे की तरफ, ठीक है। उसी तरह से इस पे लगने वाला मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, फिर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन प्लस मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, दोनों का सेम डायरेक्शन में, दोनों को जोड़ेगा तो ये चीज निकल कर आएगी। बस फर्क क्या होगा, इसमें एक टेंशन T2 लगेगा, अब वो टेंशन है नीचे की तरफ। अब वो टेंशन T2 क्या है? वो टेंशन T2 बराबर है किसके? MG के, ठीक है भाई, प्लस T2, क्योंकि जब हमने ये ऑब्जेक्ट लिया ये वाला, ठीक है, इसको एज सिस्टम माना, तो मास मल्टी, ये वाला मास प्लस मास 2 मास हो गए, लेकिन ये वाला T2 भी तो नीचे लग रहा है, T2 भी तो नीचे लग रहा है, नीचे की तरफ T2 और नीचे की तरफ MG, जो कि 2 है, 2MG प्लस T2, तो निकाल दो बस। और T2 किसके बराबर है? T2 बराबर फिर दोबारा से MG के, T2 फिर दोबारा से MG के बराबर, MG के बराबर, खत्म। ये कितना हो गया? 3MG, सो 3MG। अब ये वाला जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम से एम कैंसल, 3G/2। ये वाला एक्सेलरेशन किस पर लगेगा? ये वाला एक्सेलरेशन ए और बी पर लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब कि इस वाले पॉइंट पर मान रहे हैं हम कि इस वाले पॉइंट पर जो एक्सटेंशन हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है। लेकिन टेंशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सी में कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर सी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन इन सी कितना हो गया? 0, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है यहां पर। अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 0, और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 3G/2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जो नेट एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, या फिर d²x²/dt², सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो AC कितना है? 0 माइनस, या फिर प्लस मान लो, चलो 0 प्लस नीचे की तरफ ये वाला 3G/2, 3G/2, तो जो है d²x/dt² किसके बराबर आ गया? 3G/2, ठीक है भाई। डायरेक्शन को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो इसमें होने वाला जो क्या है, एक्सेलरेशन है, इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग 1 इज कट, जैसे ही स्प्रिंग 1 को हम कट करते हैं तो इसमें होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो है 3G/2। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, इसी पे डिपेंड करेंगे ये वाले जो है दोनों सवाल। हमसे कह रहा है d²x²/dt² बताना है, जब जैसे ही हम स्प्रिंग 1 को कट करेंगे, स्प्रिंग 1 को हमने यहां से कट कर दिया मान लीजिए, या यहां से कट कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग 1 को जैसे ही कट किया, जैसे ही कट किया इमिजिएटली, लेकिन इसके टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके टेंशन में फर्क नहीं पड़ेगा तो इस पे होने वाला जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है क्या होगा? वो 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा? 0 होगा।
अगर एक्सेलरेशन सी जीरो होगा तो यहां पर तो टेंशन हो गया खत्म, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टेंशन खत्म हो गया, लेकिन ये वाला ब्लॉक इस पर तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, और ये वाला इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इनके आपस में अपने टेंशन तो है अंदर। अगर अपने टेंशन अंदर है तो कोई बात नहीं, जैसे हमने इसको कट किया ये नीचे जाएगा, तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के साथ ये वाले तो दोनों ब्लॉक है नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ये वाली इक्वेशन बनकर आएगी, और यहाँ पर टी टू भी होगा, टी टू भी होगा तो टी टू भी लगाएंगे हम, और अपना जो एक्सेलरेशन है ये वाला निकल कर आएगा। मेन चीज क्या है, जैसे ही काटेंगे तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा जीरो। तो अब सेकंड को देखते हैं, सेकंड में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर एक्स वन डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर एक्स टू और डी टी स्क्वायर इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग ए बी कट। तो फिर दोबारा से वही बात, जैसे ही हम स्प्रिंग सॉरी ये वाली स्ट्रिंग ए बी को कट करेंगे, जैसे ही हम देखो समझ लेना इस बात को बहुत ही जरूरी है, जैसे ही हम इस वाली स्ट्रिंग को कट करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग को कट करने के बाद इमीडिएटली जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो पहले टेंशन था, ठीक है, कट कट करने से मतलब कट जैसे उसको किया, इमीडिएटली कट जो जैसे हमने उसको किया, तो कट करने के बाद जो उस पर टेंशन था वो ही रहेगा इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली का मतलब जैसे हमने इसको ए बी से कट किया ना, तो ऊपर लगने वाला इसमें जो टेंशन है पहले कट करने से पहले, मान लीजिए टेंशन टी वन था इसमें ऊपर की तरफ, अब हमने जैसे ही कट किया इमीडिएटली उसमें जो टेंशन है वो सेम रहेगा, यही कंसेप्ट है बस। उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कट किया, ठीक है, तो स्प्रिंग का जो टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, तो इस पे लगने वाला जो टेंशन है वो टी टू भी इसमें रहेगा इमीडिएटली, क्योंकि ये देखो क्या कर रहा है एट अ पॉइंट, ठीक है ना, और एट अ पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, याद कीजिए जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो किसी जो है टाइम पर बात कर रहा है, इमीडिएटली की बात कर रहा है, ठीक है, इमीडिएटली की बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं, आ जाइए आगे इसको निकालते हैं। अब ये है, ठीक है भाई, और ऊपर टेंशन लग रहा था कोई भी टी, और बी ये है, और बी पे टेंशन लग रहा था टी टू, ठीक है भाई, और एक मिनट सॉरी इस पे ये वाला और ये वाला सी, ठीक है, इमीडिएटली जो है टेंशन चेंज नहीं होगा, ये कंसेप्ट है। अगर टेंशन टेंशन चेंज नहीं होगा तो इस पर ऊपर लगने वाला जो तो टेंशन था वो कितना था, एम जी एम जी एम जी, ठीक है, एम जी एम जी एम जी, और टी टू और टी टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर लगने वाला टेंशन था एम जी, ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा था इमीडिएटली कट, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही कंसेप्ट है, ऊपर की तरफ 3 mg लेकिन नीचे की तरफ mg भी तो लगेगा इसमें, जैसे इसको हम कट करेंगे mg भी तो है नीचे, ये वाला mg, ठीक है, ये वाला क्या है mg, अगर ये वाला mg है तो ऊपर की तरफ लगने वाला 3 mg, नीचे की तरफ लगने वाला mg, यही तो क्या होगा इसका नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स यही तो होगा। उसी तरह से आ जाइए अब यहां पर इस वाले पॉइंट पर, आप चाहो तो अलग अलग बनाइए, आप चाहो तो एक साथ बनाइए, अगर आप चाहो तो अलग अलग बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना रहा हूँ एक साथ, ठीक है। अब ऊपर से तो हमने कट कर दिया, कोई बात नहीं, कट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा, तो नेट जो एक्सीलरेशन होगा, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन फोर्स होगा,
वो बराबर होगा, अब इस पर T2 नीचे लग रहा है, लेकिन इसका अपना वेट भी तो है, इसका अपना वेट भी तो है, इसका भी तो वेट है नीचे की तरफ, ठीक है, इसका नीचे वेट भी तो है। उसके बाद देखो, इसका वेट नीचे, इसका वेट नीचे, अब इस पे होने वाला जो तो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, ठीक है, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं निकाल देता हूँ। मास मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एम जी नीचे की तरफ, जैसे ही हम इसको कट करेंगे ना, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, उस टाइम पर जैसे ही हम कट करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम इस पॉइंट पर कट करेंगे तो इन दोनों बॉक्सेस के लिए नीचे फोर्स लगेगा उस टाइम पर, उस टाइम पर, ठीक है, एम जी प्लस एम जी, ठीक है, और टी टू और टी टू, ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 2g इसके लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन b के लिए, और एक्सेलरेशन a के लिए कितना हो गया, इसके लिए भी हो गया, ये m m m कैंसिल, तीन में देख दो 2g, तो इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया 2g, इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी क्या है 2g। अब ये वाला एक्सेलरेशन सी कितना था, जीरो, हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब फिर दोबारा से बताता हूँ क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने इसको इमीडिएटली यहाँ पर कट किया, ठीक है, इमीडिएटली कट किया तो टेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन तो चेंज होगा लेकिन इसका जो है जीरो रहेगा, क्योंकि पहले फर्क इसमें पड़ेगा, क्योंकि पहले फर्क इसमें पड़ेगा, बाद में इस पे आकर पड़ेगा, लेकिन हमने बाद की बात नहीं की, हम करें इमीडिएटली, तो इमीडिएटली इस पर फर्क पड़ेगा ना, इस पर तो पड़ेगा नहीं, उसी तरह से इमीडिएटली इस पर फर्क पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पर पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पर अगर, तो बाद में फर्क पड़ेगा ना, और ये जो है खींच भी तो इस वाले पॉइंट को रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसी तरह से ये वाला है जो, ये वाला भी तो इस वाले पॉइंट को दबाएगा ना पहले, इस वाले पॉइंट को तो बाद में आकर जो है छोड़ेगा, मतलब कि बाद में आकर यहां पर खिंचाव कम होगा, पहले यहीं पर होगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, उसी तरह से इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन बाद में होगा, ठीक है, सॉरी, इस वाले एक्सेलरेशन जो है जीरो रहेगा इस वाले पॉइंट पर भी और इस वाले पॉइंट पर भी, तो ऊपर की तरफ जो लगने वाला एक्सेलरेशन 2g और नीचे की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन 2g, क्योंकि पहले यहां पर कट करेगा, अब जिस टाइम पर कट करेगा, ठीक है ना, जिस टाइम पर कट करेगा उसी पॉइंट पर पहले फर्क पड़ेगा, बाद में उस पर पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वो पूछ रहा है कि भाई यहां पे कट किया, कट करने के तुरंत ही 0.00001 सेकंड बाद, 0.001 सेकंड पर ही इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, तो 0.001 सेकंड का मतलब क्या है, जीरो के तो बराबर ही है ना, तो इसी पॉइंट पर फर्क पड़ेगा पहले, जैसे कि इस पॉइंट पर ए पर फर्क पड़ेगा पहले, इस पर फर्क पड़ेगा पहले, बाद में इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड देखें तो हमको लगेगा भाई पूरे पर फर्क पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट तो क्या है कि जैसे ही कट करेगा, कट करने के इमीडिएटली जो स्प्रिंग है उन पर टेंशन चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको जो है इसमें ध्यान में रखनी है। अब इसी तरीके से लास्ट वाला केस भी देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एक्स टू डी टी स्क्वायर इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग इन कट, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है हमको, ये वाले जो निकालेंगे हम तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा से इसको हटा देते हैं यहां से, ये यार थोड़ा मैं धीरे बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि समझ में आपको ढंग से आ जाए, इसलिए। अब कह रहा है स्प्रिंग टू इज कट, जैसे ही स्प्रिंग टू को कट करेंगे, अब देखो कुछ इस तरह से है,
ये और सी। अब हमने यहां से कट कर दिया कोई बात नहीं। फिर दोबारा से इमीजिएटली कट करने के बाद जो स्प्रिंग है उस पे लगने वाला टेंशन है वो अनचेंज्ड ही रहेगा। तो ये वाली जो स्प्रिंग है, ये वाली, इस पे लगने वाला टेंशन तो अनचेंज्ड है, तो ऊपर लगने वाला जो टेंशन है वो जो पहले था वही रहेगा। तो पहले टेंशन कितना लग रहा था, एम जी एम जी एम जी 3 mg। अब हमने कट कर दिया यहाँ से, तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 mg। जब हमने यहाँ से कट कर दिया तो कोई बात नहीं, ये वाला एम जी नीचे लगेगा अपना, ठीक है, और ये वाली स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे कट, मतलब कट होने के बाद लगी रहेगी। तो कट करने के बाद ये वाली स्प्रिंग का तो मतलब हो गया खत्म, लेकिन ये वाली जो स्प्रिंग है उसका टेंशन है जो अनचेंज्ड रहेगा। तो ऊपर लगने वाला टेंशन 3 mg, टोटल फोर्स निकालते हैं, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंशन ऊपर की तरफ, जो पहले वाला है वही रहेगा, ठीक है, mg mg। अब उसके बाद टेंशन ऊपर की तरफ, तो -mg -mg। अब यहाँ पे टेंशन ये है, यहाँ पे टेंशन ये है, तो -t और +t लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम से एम कैंसल, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g। अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g नहीं होना चाहिए, ये 3 mg -2 mg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g। सॉरी यार, ये ना कैलकुलेशन में गलती है, कैलकुलेशन में गलती इस तरह से है कि यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे ना ये वाला जो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होगा, ये वाला इस मास के कारण भी और इस मास के कारण, दोनों के कारण आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 mass multiplied बाय एक्सेलरेशन। नाउ 3 mg -2 mg इज ओनली mg, तो यहाँ पर आएगा 2 ma इज इक्वल टू, 3 में से 2 गया 1, एक्सेलरेशन मास से मास कैंसल, जी ओवर 2। तो इस पे लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा, वो क्या होगा, जी ओवर 2 ऊपर की तरफ। अब इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन, वो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, सो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg, एम से एम कैंसल, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालो, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी नेगेटिव आएगी, और बीच में पहले ही नेगेटिव है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, g+g/2, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ गया, 3g/2, तो ये आ गया 3g/2। यहाँ पे जो है मास दोनों का लेना था, मैंने एक का ले दिया, आप चाहो तो एक एक का लेकर अलग से निकालो, चाहे तो दोनों का एक साथ निकाल दो, आप जैसा लेना चाहो वैसा ले सकते हो। बस मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट है कि जैसे ही हम, मान लीजिए इस वाली स्प्रिंग को कट करते हैं, तो इस वाली स्प्रिंग पर लगने वाला जो इंस्टेंटेनियस टेंशन है उसी टाइम पर, इंस्टेंटेनियस टेंशन है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो टेंशन चेंज नहीं होगा, और बस आपको जो है इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है। ये वाला प्रॉब्लम बनाने में जो है टाइम लगा है, इसलिए क्योंकि आपको जो है कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए।